आप सब सोच रहे होंगे कि ये क्या मैं करने लगा। मैं इस पौधे को जड़ से उखाड़ रहा हूं। आश्चर्य हो रहा है ना कि एक पौधे को उखाड़ना या काटना ना केवल एक अपराध है अपितु पाप भी है। तो फिर मुझे ऐसा करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? क्योंकि कई बार विनाश ही सृजन तक पहुंचाता है। यदि नया भवन बनाना हो तो पुराने भवन को गिराना पड़ता है। व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए क्रांति लानी पड़ती है। और उसी प्रकार यदि किसी वृक्ष या किसी पौधे की जड़ों में घुन लग जाए या उसका मूल सड़ जाए तो उसे जड़ से उखाड़ देना ही श्रेयस्कर होता है, ताकि उस स्थल पर नए पौधे उपज सके। युद्ध करना पर्याय नहीं, परंतु कभी कभी शांति के लिए युद्ध करना आवश्यक हो जाता है। मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि जिस प्रकार तुमने मेरे कुल का अंत किया है उसी प्रकार तुम्हारे कुल का अंत भी होगा। तुम्हारा कुल भी ऐसे ही आपस में लड़कर नष्ट हो जाएगा। मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरे नेत्रों पर पट्टी बंधी है और मैं ये सब नहीं देख पाई, परंतु तुम ये महाविनाश अवश्य देखोगे। तुम स्वयं अपने कुल के महाविनाश का प्रारंभ करोगे वासुदेव। जिस प्रकार एक प्रसन्न माता का आशीष संसार में कोई नहीं रोक सकता, उसी प्रकार एक दुखद माता का श्राप संसार में कोई नहीं टाल सकता। मुझे आपका श्राप स्वीकार है माते। किंतु क्या आपको ज्ञात है कि इस युद्ध का सत्य क्या है? क्या आप जानती हैं कि इस महाविनाश, इस महायुद्ध का वास्तविक रूप क्या है? मेरे साथ चलिए माता, उस कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर जो इस महाविध्वंस, इस महाभारत की साक्षी बनी है। दुर्गंध कैसी वासुदेव? ये दुर्गंध उन वीरों के शवों की है जिन्होंने इस महायुद्ध में अपना बलिदान दिया है माता, परंतु जिन्हें अंतिम संस्कार का अवसर भी ना मिला। ये दुर्गंध यहां हुए भीषण संहार के एक एक क्षण का अनुभव करा रही है मुझे। तुमने छल से मेरे एक एक पुत्र का वध कराया है वासुदेव। अपने दिए गए श्राप पे मुझे कतई भी पश्चाताप नहीं है। इस युद्ध से किसी को कुछ प्राप्त नहीं हुआ। ये युद्ध सबके लिए दुर्भाग्य ही साबित हुआ है और तुम्हारे लिए भी ये दुर्भाग्य ही साबित होगा। और आज मेरे श्राप के रूप में तुम भी उस युद्ध से दुर्भाग्य ही लेकर जाओगे। जब आप मुझे अपराधी मान ही चुकी हैं,
जब आप मुझे दंड दे ही चुकी हैं, तो आप मेरा कोई स्पष्टीकरण भी स्वीकार नहीं करेंगी माता। परंतु सत्य का भान आपके लिए आवश्यक है माता। जिनकी दृष्टि से इस महायुद्ध का कोई भी क्षण, कोई भी छल अनदेखा नहीं गया है माते, अब वीर बारबरी आपको सत्य का भान करवाएंगे। अब आपके समक्ष वीर बारबरीक है गांधार पुत्री, जो आपके पौत्र भी हैं, जो इस युद्ध के एकमात्र दर्शक हैं। वो बारबरी जिन्होंने अपना शीश दान किया और अमर हो गए, अब वही आपको सत्य का ज्ञान करवाएंगे। वीर बारबरीक की दृष्टि से इस महाभारत का कोई भी पल और छल अनदेखा नहीं रहा है माता। अब बारबरीक आपको सत्य बताएंगे। पुत्र बारबरीक, तुम स्वयं बताओ, क्या वासुदेव ने छल से मेरे पुत्रों का वध नहीं करवाया है? यदि तुमने इस युद्ध का एक एक क्षण निष्पक्ष होकर देखा है, तो बताओ कौरव वंश के वट वृक्ष, महामहिम भीष्म, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, क्या वासुदेव ने उन्हें अपने छल से धराशाही नहीं करवाया है? क्या वासुदेव ने द्रोण पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु का छल रचकर आचार्य द्रोण का वध नहीं करवाया है? क्या मेरे पुत्र दुर्योधन की रक्षा कर रहे उसके मित्र कर्ण को छल से नहीं मरवाया है वासुदेव ने? पुत्र दुर्योधन पर युद्ध के नियमों के विरुद्ध जाकर प्रहार किया गया, क्या वो वासुदेव का छल नहीं था? मेरे समस्त 100 पुत्रों के वध का कारण केवल वासुदेव है, ये भी सत्य नहीं है बारबरे? मैं आपसे सहमत हूं माते, ये सब स्वयं वासुदेव ने करवाया। परंतु माते, आप किन 100 पुत्रों की बात कर रही हैं? कौन भीष्म, कौन कर्ण, कौन द्रोण और कौन अभिमन्यु? सत्य तो यह है माते कि कुरुक्षेत्र में कोई था तो केवल एक पुरुष, वासुदेव कृष्ण। ना कोई भीष्म, ना कोई द्रोण और ना ही अंगराज कर्ण। जिस पर प्रहार हुए वो वासुदेव ही थे और जिसने प्रहार किए वो भी वासुदेव ही थे। उनके अतिरिक्त कुरुक्षेत्र में कोई और उपस्थित नहीं था माते। ये तुम क्या कह रहे हो बरबरे? इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ शब्दों से नहीं, दृश्यों से समझ आएगा राजमाता। इस युद्ध के प्रारंभ से अंत तक हर प्रहार मैंने किया और हर प्रहार मैंने ही सहा। सरा
सरस्वती धर्म स्थापना के लिए धनुष गदा खड़ा ये सब मैंने ही उठाए और इन सारे अस्त्रों का हर एक प्रहार मैंने ही सहा। बाण चलाने वाला मैं ही था। और उस बाण को अपने शरीर पर लेने वाला भी मैं ही था। महामहिम भीष्म के रूप में भी मैं ही था और अर्जुन के रूप में भी मैं ही था और सरशैया पर लेटने वाला भी मैं ही था। अभिमन्यु बनकर चक्रव्यूह मैंने ही तोड़ा। वापस आओ अभिमन्यु, लौट आओ, व्यूह में प्रवेश मत करो। विश्वास कीजिए दात्री, मैं इस चक्रव्यूह को तोड़ सकता हूं और यदि मेरा सर कट भी जाए तब भी आपका सर गर्भ से उठा रहेगा। और उस दिन मुझे ही घेर कर मारा गया। वो मैं ही था जिसने द्रोणाचार्य से कहा कि अश्वत्थामा मारा गया। आपने बिल्कुल सही सुना आचार्य द्रोण, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य के रूप में अस्त्र त्यागने वाला भी मैं ही था। परंतु वो एक मनुष्य नहीं, एक हाथी था। और दृष्टद्युम्न बनकर मैंने ही स्वयं पर प्रहार किया। और कर कर्ण के रूप में मैंने ही अपना कवच अपने शरीर से अलग किया। युद्ध के मध्य में मेरे ही रथ का चक्र धसा और मेरे ही आदेश पर मैंने ही स्वयं पर अंजलि का अस्त्र चलाया। अंगराज को मुक्त करो पार्थ, अंजलि का अस्त्र का प्रयोग करो। दुर्योधन के रूप में मेरी ही जंघा पर प्रहार करके मेरा ही अंत किया गया। yeah!
द्रुपद हो या दृष्टद्युम्न, विकोदर भीम हो या अर्जुन, सब में मैं ही था, मैं ही विजयी हुआ और मैं ही पराजित हुआ। सबसे अधिक प्रहार मैंने की, सबसे अधिक घाव मैंने ही खाया। अठारह दिनों के इस महासंहार हर बार मृत्यु मेरी ही हुई। गिरता था जो घायल होकर रणभूमि में, वो मैं ही था। अश्वत्थामा के अंगों से रक्त पीप श्वेत बनकर मैं ही युग युगांतर तक भटकूंगा। जीवन मैं तो मृत्यु भी मैं ही। श्राप तुम्हारा स्वीकार है माते, परंतु जब सब आपने किया तो ये माया क्यों मेरे वासुदेव? आप सब एक क्षण में ठीक कर सकते थे, तो फिर ऐसा आपने क्यों नहीं किया? फिर उन प्रतिज्ञाओं का क्या होता माते, जो सबने ली थी? उन अपराधों के दंड का क्या होता जो सबने किया? उन कष्टों का पुरस्कार क्या होता जो धर्म ने सहे? उस सीख का क्या होता जो इस युद्ध में हुए हर मृत्यु से मानव जाति को मिले, और जो संसार में प्रलय आने तक उनका मार्गदर्शन करे? मुझे क्षमा कर दीजिए वासुदेव, मेरा श्राप वापस नहीं लिया जा सकता, परंतु क्षमा अवश्य मांगी जा सकती है वासुदेव। अपने पुत्र मोह में खोकर मैं उचित और अनुचित का भेद भूल गई थी, मुझे क्षमा कर दीजिए केशव, कि उस हो रहे अधर्म के विरुद्ध ये गांधारी अपने स्वर ना उठा पाए। क्षमा कर दीजिए। नहीं माते, किसी का अंत किसी के श्राप से नहीं होता। यदि किसी का अंत होता है तो स्वयं के पापों से। यदि यदुवंश का अंत होगा तो आपके श्राप से नहीं माते, अपितु स्वयं के पाप कर्मों से। जब जब समाज में अपराध बढ़ेगा, एक महाभारत सामने आएगी। अपने ही अपनों को काटेंगे, कभी कुरुक्षेत्र में तो कभी द्वारका में। माते, यदि आप कुछ करना चाहती हैं तो अपने मन के इस प्रतिशोध की अग्नि को शांत कीजिए और पांडवों को आशीष दीजिए। युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक करवाइए
और धर्म स्थापना में आपका ये योगदान और आपका आशीष आवश्यक है माते। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.